पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेले जा रहे मुकाबले में पंजाब किंग्स की तरफ से खराब शुरुआत देखने को मिली, जहां टीम ने पहले दो विकेट पावर प्ले के अंदर अंदर ही गंवा दिए। लेकिन पावर प्ले में दो विकेट गंवाने के बाद भी टीम का स्कोर अब काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस टीम को एक बार फिर से लियाम लिविंगस्टोन का साथ मिला है, जिन्होंने दो विकेट गिरने के बाद पहली गेंद से आतिशी पारी खेलनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि लियाम लिविंगस्टोन ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कुछ इसी परिस्थितियों से टीम को निकालते हुए 60 रनों की शानदार पारी खेली थी। लेकिन आज गुजरात टाइटंस के पास मौका था कि इस धाकड़ बल्लेबाज को पहले ही आउट करने का, लेकिन कप्तान हार्दिक पांडे से आज मैदान में एक ऐसी गलती हुई जिसका खामियाजा पूरी टीम को पहली पारी समाप्त होने के बाद देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पारी का नौवां ओवर कराने उतरे गेंदबाज राशिद खान की चौथी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन ने डीप मिड विकेट की तरफ एक शानदार शॉट खेला, जहां पर खड़े खिलाड़ी और कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक अच्छा कैच पकड़ा। लेकिन कैच पकड़ने के बाद हार्दिक पांड्या अपना संतुलन गंवा बैठे और उनका पैर सीधा बाउंड्री रोप को जाकर टच हो गया, जिसकी वजह से ना तो राशिद खान को विकेट मिल पाई और ना ही हार्दिक पांड्या 6 रन बचा पाए। हार्दिक पांड्या की इसी गलती की वजह से पंजाब किंग्स के खाते में 6 रन ऐड हुए। लेकिन इस कैच के छूटने के बावजूद भी हार्दिक पांड्या की काफ़ी तारीफ की जा रही है, क्योंकि उनका ये कैच काफ़ी शानदार हो सकता था। आपको बता दें कि आज फिर लियाम लिविंगस्टोन एक शानदार पारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने शुरुआत काफ़ी तेज़ लगाई, जहां उन्होंने पंजाब के हर गेंदबाज को बड़ी शॉट लगाने का प्रयास किया। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।